अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फौरन आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आसान गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमने 1 किलो गाजरें ली हैं। 1 किलो गाजर थी जिसको मैंने ग्रेट करने के बाद नापा है, तो तकरीबन 900 ग्राम तक है, तो आप 1 किलो तक आराम से ले सकते हैं। 1 किलो गाजरों के लिए हमको चाहिए है 1 कप चीनी। आप 3/4 कप से 1 कप तक ले सकते हैं, मैंने 1 कप ली है। साथ ही हमें चाहिए है 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी और 1/2 कप सूखा दूध। यह मैं नीडो की ब्रांड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर खोया लिया है, ये तकरीबन 1 पाव खोया है, लेकिन जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ उसके अंदर आप कम से कम खोया इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास खोया बिल्कुल नहीं है तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे डेकोरेशन में अच्छा लगता है खोया इसलिए मैंने खोया लिया है, तो मैं 1/2 खोया यूज़ करूंगी इसमें से। 1 कप चीनी के अंदर से मैंने 2 टेबल स्पून चीनी निकाली है, ये शुरू में इस्तेमाल होगी। 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर है। इसके अलावा 10 काजू हैं, ये 2-3 टुकड़ों में काटे जाएंगे, और ये 10 बादाम और 15-20 पिस्ते हैं, ये मैंने ब्लांच कर लिए हैं इनका छिलका उतार के। मैं पिस्तों को 2 टुकड़े करूंगी और बादाम को भी 2-2 टुकड़े कर लूंगी। सबसे पहले एक पतीली के अंदर मैंने गाजरें डाल ली हैं, कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर, सिर्फ ये गाजरें डाली हैं। इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ये उबलता हुआ पानी है, मैं ये डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ये 2 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ, और साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के देसी घी डाल रही हूँ। इसको हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम गाजरों का पानी निकलने तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये गाजरें जो हैं ये अपने ही पानी के अंदर अच्छे तरीके से गल जाएंगी। चीनी डालने का मकसद ये है कि इससे गाजरों का कलर जो है वो काला नहीं होगा, डार्क नहीं होगा। तो इसे ढक दें और उसके बाद मैं इसका पानी निकलने का इंतज़ार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट के बाद मैं आंच को तेज कर रही हूँ और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाजरों ने अपना पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है, हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा रख के हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि ये गाजरे जो हैं ये अपने ही पानी में अच्छे तरीके से गल जाए। लेकिन अगर बिलफर्ज आपके पास ऐसा ना हो तो आप इसके अंदर 1/4 कप तक गर्म पानी डाल सकते हैं। तो देखिए 15 से 20 मिनट लगे और पानी बिल्कुल इसका अच्छे से खुश्क हो गया है और गाजरें भी हमारी तकरीबन गल गई हैं। तकरीबन से मुराद थोड़ी खड़ी खड़ी है, लेकिन अभी हमने इसको और पकाना है तो ये पूरी अच्छी गली हुई हो जाएगी। तो इस टाइम पे हम जो बाकी बची हुई चीनी है वो डाल देंगे। चीनी आप हसब जायका इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और ये बाकी बचा हुआ घी भी डाल देंगे, और अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। चीनी का पानी एक दफ़ा फिर रिलीज होगा और अच्छे तरीके से इसको भी हम भून लेंगे, तो ये इतनी देर के अंदर अच्छी खासी जो है वो गल जाएंगी, बिल्कुल जो कसर है। आप देखें अभी तक हमने इसमें ना दूध डाला है ना खोया डाला है। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये ख़ास तौर पे इसलिए बना रही हूँ कि वो लोग जो ज़्यादा क्वांटिटी में या किसी दावत के लिए गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो वो इस रेसिपी से आराम से ज़्यादा मिकदार में गाजर का हलवा भी बना सकते हैं। तो मैं इसे फिर से मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ और इसे बंद करके वापस से पकाऊंगी। जो चीनी पानी छोड़ेगी वो भी खुश्क हो जाएगा, तो मैं अच्छे तरीके से आपके सामने इसे भूनूंगी। तो देखिए चीनी जो है वो अच्छे तरीके से
इसके अंदर डिसॉल्व हो गई है और गाजरें बिल्कुल गल गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसे भूनने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने घी इतना ज़्यादा डाला नहीं है, तो इसे भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये ड्राई हो गया इस वक्त। अब इस वक्त मैं इसके अंदर ये नीड और दूध डालूंगी। मैं देखें बीच में डाल रही हूँ फैला के, और मैं इसे छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे करके। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आप इसे थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे करके छोड़ देंगे तो ये कहीं से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, कहीं छोटे छोटे इसके चंक्स बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल खोए के जैसा आपको लुक देगा। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये मैं इसको डाल के 2 मिनट के लिए ढकूंगी। भाप से ये जो है बिल्कुल खोए के जैसा लुक देने लगेगा। इसको मैं 2 मिनट के बाद भूनूंगी, और अगर आप इसके अंदर नीडो नहीं डालना चाहते तो फिर आप इस वक्त इसके अंदर आधा खोया डाल देंगे। अब देखिए सिर्फ 2 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ, और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। आप देखिए ये टुकड़े टुकड़े बन गया है। बस इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो देखिए ये खोए की तरह मिक्स हो रहा है। तो कम खोए से या बगैर खोए से भी आप इसी तरीके से सिर्फ एक ट्रिक के ज़रिए ये अपना गाजर का हलवा रेडी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करते हैं, और इस टाइम पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा खोया भी मिला दूँगी। इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके हम इसकी भुनाई करते हैं। गाजर के हलवे को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर मैं इसे खोए से और सारे ड्राई फ्रूट से गार्निश करूँगी। आप चाहें तो थोड़े से अंदर और थोड़े से गार्निश के लिए यूज़ कर लें। तो देखिए हमारा बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। बहुत सिंपल और ईजी रेसिपी है। जब आप इसे सर्व करेंगे आप इसको जो है ना एक साइड से मिलाते जाएँ और मेहमानों को सर्व करते जाएँ, इसी तरीके से ये सर्व किया जाता है। और एक बात और बता दूं कि खोए की 2 रेसिपीज़ मेरे चैनल के ऊपर हैं, मैं कार्ड्स में उनका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख के घर में भी खोया बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक्स दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे देख लीजिए, वहाँ काफ़ी अमेजिंग रेसिपीज़ होती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।